नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। शहर में आए दिनों बढ़ रहे हैं अपराध, इसकी वानगी रोज ही देखने को मिल रही है। ऐसा एक मामला सामने आया है जब कल एक युवक घायल अवस्था में पुलिस को मिला। इससे पहले कि युवक बयान दे पाता उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने बताया कि कल सुबह डायल 100 को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे तुरंत वहां से लेकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। युवक को अस्पताल लाया गया, तब तक वह बेहोश था और कुछ भी कहने की सूरत में नहीं था। युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। सूत्रों की माने तो युवक के साथ एक और युवक था, जिसे मारने वाले युवक अपने साथ ले गए। जब युवक को डायल 100 लेकर आई, तब उस समय उस युवक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और चोटों के निशान उसके शरीर पर जगह जगह देखने को मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी शायद फोड़ दी गई थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। युवक के हाथ पर मनोज बजरंग दल लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि इस युवक को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया और इसके साथ जो दूसरा युवक था वो कहां गया और क्या हुआ उसके साथ। कल सवेरे डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे कॉलोनी में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी, अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो सूचना पर डायल 100 ने 108 की मदद से उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। उस घायल व्यक्ति की उम्र करीब 25-26 साल थी और उस समय वो बोल नहीं रहा था, बेहोशी की हालत में था। और इलाज के दौरान ही कल उसकी दोपहर में जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई थी। अभी उस व्यक्ति के पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके हाथ में मनोज बजरंग दल गुदा हुआ है। उस व्यक्ति की पहचान करी जा रही है और पोस्टमार्टम व्यक्ति के करवा दिया गया। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय में मनाया गया स्वच्छता से सिद्धि। जिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज स्वच्छता से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारियों की डायबिटीज, हेपेटाइटिस एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। साथ ही इस नाटक के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी लोग पैदा जाते हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। मैं आज बात करूंगा आज आप लोगों के बारे में। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर के, इमोशनल हेल्थ को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर के और मेंटल हेल्थ को लेकर हम सभी लोग मेडिकल फैकल्टी से जुड़े लोग हैं। हम सभी को बहुत सारी चीजें मालूम है। वो आप लोग जाएंगे आगे से मना रहे हैं, जिसकी इस साल की जो हमारी थीम है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। इस उपलक्ष्य में हमने आज एक तो डायबिटीज चेकअप कैंप रखा है हमारे स्टाफ के लिए, अस्पताल के स्टाफ के लिए, जिसमें सुबह से ही ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और फिर हमने बीपी चेकअप रखा था। हाइपरटेंशन कोई मरीज हो तो उसके लिए बीपी चेकअप, और तीसरी चीज आज हमने इम्यूनाइजेशन करवाया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वो हमारे स्टाफ के लिए। फिर आज हमने हमारे सिविल सर्जन सर का जन्मदिन भी था, जिसको हमने सबके साथ भी मिलकर मनाया। और ये सारा चीज़ जो हम मना रहे हैं, स्वच्छता से सिद्धि पखवाड़ा चल रहा है जो 1 से 15 अप्रैल तक के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हमें मनाना है। तो इसके अंतर्गत हम ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमने आज एक नुक्कड़ नाटक भी रखा था, जिसमें कि मैटरनिटी विंग के लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें उन्होंने ये बताया
किस क्या क्या योजनाएं सरकारी योजनाएं चल रही हैं और किस तरीके से हाथ धोना चाहिए, किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, ये सारी जानकारी उन्होंने इस नुक्कड़ नाटक के जरिए आज सबको। इन दिनों शहर के चौराहों पर अलग अलग क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर नगर पालिका के कर्मचारी करा रहे हैं मजदूरों का पंजीयन। हालांकि पंजीयन की आखिरी तारीख शासन द्वारा 14 अप्रैल निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है। प्रदेश भर में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के माध्यम से असंगठित मजदूरों का पंजीयन किया जा रहा है। शासन द्वारा बनाई गई यह योजना के अनुसार जिन मजदूरों का पंजीयन हो जाएगा उन्हें सरकारी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु नगर पालिका द्वारा निःशुल्क पंजीयन किए जा रहे हैं। मोबाइल नंबर 93 अपना नाम लिखवा लिया बैंक में, पापा का डाला, पापा उठी है ना लड़के, वो कोई बात नहीं। अपनी आरटीआई के जवाब के लिए परेशान घूम रही कांग्रेस नेत्री। कांग्रेस की नेत्री वंदना मांडरे का आरोप है कि उन्होंने गुना के पीएचई विभाग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जिसके बदले उन्हें 650 पेज का पुलिंदा पकड़ा दिया गया, जिस पर वंदना मांडरे ने आपत्ति उठाई थी और पूछा था कि क्या इन पेजों के माध्यम से हमने जो जानकारी लगाई है उससे संबंधित दस्तावेज है भी या नहीं। बाद में दस्तावेज देखने पर पाया गया कि उसमें कुछ भी काम का नहीं था। इसके बाद कई बार सीएमओ से बोलने के बाद जवाब मिला कि आपको आपके घर जवाब भेज दिया जाएगा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते आज फिर वंदना मांडरे नगर पालिका पहुंची लेकिन सीएमओ नहीं मिले। देखिए 14 मार्च को लोग आयुक्त यहाँ आए थे और यहाँ इन्होंने हमारी पेशी हुई थी एक पीएचई को लेकर, आरटीआई को लेकर। तो उन्होंने जो मुझे 650 जो पेज पकड़ाए थे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं घर जाके देखूंगी कि उसमें हमारे कितने उपयोगी पत्र हैं। जब मैंने घर जाके देखा तो उसमें हमारे कोई उपयोगी पत्र ही नहीं थे, तो मैंने तुरंत 15 तारीख को यहाँ आके एक लिखित में पत्र दिया और मैंने उसकी कॉपी सूचना आयोग को भी भेजी। तो मैंने इनको सूचित किया कि भाई जो मैंने पेपर मांगे, किनको सूचित किया आपने, नगर पालिका सीएमओ को, कि जो मैंने पेपर्स मांगे थे वो मुझे पेपर्स नहीं दिए, कृपया मुझे 3 दिन के अंदर वो पेपर्स उपलब्ध कराएं। तो आज 3 दिन छोड़िए, आज 15 दिन के ऊपर हो गए और मुझे आज तक पीएचई से कोई पेपर्स नहीं मिले। लगातार मैं आयुक्त लोक सूचना आयुक्त को भी मैं पत्र भेज रही हूँ और लगा रोज 15 मार्च से मैं यहाँ नगर पालिका में आ रही हूँ और नगर पालिका सी ओ मुझे रोज बोलते हैं कि शाम को 4 बजे आपके घर पे पीएचई की आपके पास आरटीआई पहुँच जाएगी, लेकिन मेरे 15 दिन से ऊपर हो गया, मेरे पास कोई पीएचई की आरटीआई नहीं पहुँची है और ना इनको इनकी मुझे मंशा दिख रही है कि ये मुझे आरटीआई देंगे। मैं पुनः एक पत्र लगाने के लिए आई थी और मुझे यहाँ सीएमओ नहीं मिले और अब मैं ये पोस्ट करने जा रही हूँ भोपाल और उनको भी सूचना दूंगी। हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम होगा सुहाना। इस भीषण गर्मी में पानी की कुछ बूंदों से आमजन ने राहत ली। वहीं मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते जानकारी से नुकसानदायक भी बता रहे हैं। वहीं इस मौसम में बदलाव के चलते धरनावदा बुलाए सनोते गांव में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे। इसी बदलते मौसम के चलते किसानों के माथे पर भी शिकन आ गई है। जज्जी में बनेगा पार्क। नगर पालिका के दस्ते ने आज जज्जी बस स्टैंड पर रखी अस्थाई दुकानों को हटा दिया। दुकानदारों को ये कहा गया कि यहाँ पर पार्क बनना है। समझ से परे है कि गरीबों के आश्रय को हटाकर जहाँ पर पार्क बनाया जाएगा उन गरीबों के लिए क्या किसी ने कुछ सोचा है कि वह अपने घर का खर्च कैसे उठा पाएंगे। नहीं।
हटा लो चलो हटो हटाओ जी मैं तो पता है नगर पालिका वाले आए थे। हाँ क्या बोल गए? हटा लो इन्हें पूरी हटा लो। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया अपना स्थापना दिवस। इस अवसर पर सभी भाजपा जन जयस्तंभ चौराहे पर इकट्ठे हुए और यहां पर अपना स्थापना दिवस मनाया। किसान सम्मान यात्रा में ग्राम पंचायत विनायक खेड़ी के किसानों के हाथ से विद्युत ट्रांसफार्मर का कराया उद्घाटन। गांव के वरिष्ठ किसान के हाथ से फीता काटकर व कन्या के हाथों से पूजन कराकर किया सम्मान। विधायक पन्नालाल शाक्य ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही कांग्रेस को जमकर कोसा भी। यात्रा लोहपाल, मोहनबाड़ा, उमरिया, सगा बरखेड़ा, बनवीर खेड़ी, बुड़ैना, अमौदा, पिपरौदा, खामखेड़ा व मुरिया भौरा होते हुए रात्रि विश्राम ग्राम खजूरी में होगा। इस अवसर पर विधानसभा विस्तारक सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ जनप्रतिनिधि यात्रा में मौजूद रहे। चलने वाली है, सभी किसानों का सम्मान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये अपने दिमाग में आना चाहिए कि अधिक किसानों का सम्मान क्यों? तो 5 वर्षों से लगातार जो खेती का उत्पादन हुआ है वो पूरे देश में मध्य प्रदेश हर बार पहले नंबर पर मुख्यमंत्री जी को उसका प्रतिफल मिला है, सम्मान मिला है। 5वीं बार जब मिला तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के दिमाग में ये बात आई कि भाई ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है ये किसके कारण मिल रहा है? तो किसान खेती करता है, उत्पादन करता है और उस उत्पादन के परिणाम में उनको सम्मान प्राप्त हुआ। तो ना मेरा सम्मान तो 4 बार हो गया और सब जनप्रतिनिधियों को 230 विधायकों को जो हारे हो जीते हो उन सब से कहा कि अब इस बार का सम्मान मान सब किसानों के यहाँ जाके किसानों को सम्मान प्रत्येक प्रतिनिधि मेरे तरफ से करेगा। उस क्रम में हम सब लोग आपके सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। बजरंगढ़ थाने ने पार कर दी लापरवाही की हदें। सरकारी कुओं को लेकर गहराया मामला, नहीं हुई कोई कार्रवाई। घटना में तलवार के बार से युवक को आए 10 टांके, एक को मारी कुल्हाड़ी और तीसरी महिला को साथ की मारपीट। बजरंगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सरकारी कुओं का ऐसा मामला सामने आया है जिससे ग्वाल परिवार को वहां के दबंग लोग पानी भरने नहीं दे रहे। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक भट्ट परिवार द्वारा ग्वाल समाज के लोगों के साथ मारपीट कर दी गई है। यहाँ तक कि दबंगों ने हथियारों से लैस होकर एक युवक को तलवार मार दी जिसके कारण उसको 10 टांके आए। वहीं दूसरे युवक को भी कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को तक नहीं छोड़ा, उनके साथ भी मारपीट कर दी जिससे महिला को चोटें आई हैं। हद तो तब हो गई जब इतना सब कुछ होने के बाद भी हमलावरों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल यह मामला पहले भी प्रकाश में आ चुका है जिसमें एक शिक्षक के साथ मारपीट की गई थी जिसका वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि पुलिस लापरवाही के रवैये के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने सरकारी कुएं पर कब्जा कर रखा है। वहां के आम लोगों को सरकारी कुएं से पानी भरने को लेकर शनिवार को हुए विवाद में एक युवक को तलवार मारने से 10 टांके आए हैं जबकि एक को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। वहीं इस हमले में एक महिला को भी चोटें आई हैं। हम थाने गए,
आने जाने के बाद में पूरा फोर्स था, पटवारी साहब भी पहुंच गए थे वहाँ पे, तो उधर से वो आए और आके कुल्हाड़ी मार दी। वो जिनने जमीन पे कब्जा कर रखा उन लोगों, बट चंद पे उनका लड़का चंद प्रकाश भट्ट और भी थे उनके भाई चंद प्रकाश भट्ट। ये सब पूरी मतलब पहले सब इकट्ठे हो गए वहाँ पे गए कोतवाली, तो वहाँ से सब आए, स्टाफ आया तहसीलदार वो पटवारी थे वो भी आए, तो उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ वहाँ। क्या हुआ, हुआ क्या है? पानी पानी की लाइन टूट गई थी, 3 दिन से नल नहीं आ सकता, okay? पानी के लिए परेशान हो रहा मवेशी वाले आदमी हम सब, तो इस बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद नहीं हुआ, पानी की लाइन टूट गई है, कोई नहीं जोड़ता, हम सब जोड़ते हैं, मिलके जोड़ते हैं। वो क्या उन्होंने अंदर कर रखा है, जो लाइन है ना जमीन कब्जे में कर ली और लाइन भी अंदर कब्जे में कर ली, अंदर नहीं आने दे रहा है, 3 दिन से पानी के लिए परेशान हो रहा है, तो वो लाइन नहीं जोड़ने दे रहा है। लाइन जोड़ते जोड़ने गए थे, शासन भी था वहाँ पे, स्टाफ पुलिस स्टाफ भी था और भी सब लोग थे, पटवारी भी था, उनकी मौजूदगी में सब वहाँ पे शासन भी था। विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचे लोगों की पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जबकि शिकायतकर्ताओं को थाने में बैठाकर दिन भर रखा। इसके बावजूद भी उनको थाने से खाली हाथ लौटना पड़ा। विवाद में घायल हुए शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दबंग व्यक्तियों की राजनीतिक पैठ होने के कारण पुलिस कार्रवाई करने में हिचक रही है। उनका यह भी कहना है कि हमला करने वाला परिवार पहले से ही प्रभावशाली है और पूर्व में बजरंगगढ़ पंचायत के सरपंच और मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए यहाँ की पुलिस उन दबंगों पर कार्रवाई करने में हिचक रही है। प्रॉब्लम है कि इस विवाद मतलब हम थाने में 1 बजे के करीब लेडीज से और जेंट्स से सभी, हमने ये बोला कि वहाँ पे जो सरकारी कुआ है बाहर और जो पाइप डली है ना वो लान फोड़ देते हैं, जोड़ने नहीं देते, उनकी फसल है सब है। हम गए वहाँ पे, जहाँ पे आए थाने से वापस वहाँ पे गए नल ट्यूबवेल के पास, हम सभी लोग गए और भैया अकेले थे उधर चले गए, उन्होंने पीछे से आकर खुलारी के सिर पर मार दिया, वे मारने की विचार में थे। क्या नाम था आपके भैया का? भैया दिनेश गोवाल। और किसने मारा? चंदू भट्ट, सबरे भट्ट थे, गौरव भट्ट, संतोष भट्ट और फिर सतीश भट्ट, तो मंडी भट्ट। किस बात पे विवाद चल रहा है आपका? नल खाली जगह डली, खाली जगह, कोई खाली जगह डली थी तो कुआ हमारा बरसों से था, पिताजी के पिताजियों का, उन्होंने अंदर कर लिया। हमने कहीं मवेशी है सब है, गर्मियों का माहौल है, हम जिंदगी से पानी पीते आ रहे हैं यहाँ पर। थाने पे रिपोर्ट नहीं लिख रहा, FIR दर्ज नहीं करी, FIR दर्ज नहीं करी, 1 बजे का केस है, 4 बजे की हम अंदर गए, जो टाइपिंग करता है ना उनसे बोली कि वो हमारी FIR लिखो, उन्होंने ये बोली कि दरोगा जी को बुला के लाओ, ये भी हमारा काम है, हम तुरंत ही दरोगा जी को बुला के आए, वे अंदर गए, शासन ने आम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कुओं की व्यवस्था की है जो कि काफी पुराना है। इसी कुएं के यहाँ आसपास के लोगों के घरों में पानी पहुँचता है, किंतु यहाँ की गंदी राजनीति को लेकर दबंगों ने उस कुएं पर कब्जा कर लिया और बाउंड्री खींच दी, जिससे कई अन्य लोगों को पानी भरने न मिल सके। ऐसे में ग्वाल मोहल्ला के लोगों को पानी भरने के लिए परेशान होना पड़ रहा है और पुलिस लापरवाही बनी हुई है। विवाद इतना गहराने के बावजूद भी पीड़ितों की पुलिस नहीं सुन रही, इस कारण यहां की पुलिस व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं कि आखिरकार दबंगों के डर से पीड़ितों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही। हरीश आज आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जो बयान करेगी ओवरलोडिंग से क्या होता है। एक छोटे से टेम्पो में ओवरलोडिंग का नतीजा यह रहा कि टेम्पो अपने 2 पहियों पर खड़ा हो गया और काफी मशक्कत के बाद उसे सीधा कर पाया। मामला स्थानीय तेलगानी चौराहे का है, जहां पर एक टेम्पो में सामान अत्यधिक भरा होने के चलते वह आगे से उठ गया। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर मौजूद लोगों की मदद से टेम्पो को वापस सीधा किया गया। वहीं यह हादसा अगर टेम्पो के तेज रफ्तार में चलते समय होता तो क्या होता। Thank you.
मवेशियों को काटने के लिए ले जाते समय पुलिस ने पकड़ा एक ट्रक। मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो उसने तेजी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद बमुश्किल ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक मथुरा से इंदौर की तरफ जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। जी बच्चों को बताया कि बच्चों को भरकर काटने के लिए कटवाने के लिए हाँ जी लेके जा रहे थे। अच्छा। सूचना पर हमने चौकी के सामने इसको रोका, इसने भगाने का कंटेनर वाले ने प्रयास किया जी, लेकिन और ट्रकों के सहयोग से हमने इसको रोक लिया। तो ये यहाँ पे आके पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं, पकड़ा तो वहीं नहीं, वहीं पकड़ लिया जी। आसपास फिर हमने व्यवस्था ना हो पाई क्योंकि मर रहे थे जी। हमने चौकी को उतारे, नगर पालिका पानी का टैंकर जी एवं एक ट्रैक्टर भिजा की व्यवस्था करके वहीं से 2 दिन तक रखा। वहाँ ज़्यादा दिन रखने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए गौशाला बने हुए हम छोड़ने आए। तो आपने इनको पकड़ा है? मुकदमा कायम है, मुकदमा कायम किया है। चार लोगों में कौन कौन है? चार लोग तो ड्राइवर और उनको तो पकड़ा होगा। तीन हेल्पर हैं, तीन हेल्पर हैं। तो कहाँ से आ रहे थे उनसे पूछा नहीं आपने? मथुरा तरफ से आ रहे थे। मथुरा से आ रहे थे तो इधर कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे थे जी, मालिक का आजाद खान का जी कहना था जी, आजाद खान ट्रक आजाद खान का था। इंदौर के पास पहुँचना, इंदौर में एक आदमी आएगा आपके पास जी, फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन लगाना, मैं बताऊंगा तुमको कहाँ लेके जाना है। अब आजाद खान जब पकड़े होंगे ना तब पता लगेगा। तो अभी गाड़ी मालिक को आपने नहीं बुलाया? गाड़ी मालिक को फोन से खबर कर रहा है, आ नहीं रहा। आ नहीं रहा है। झागड़ से हमारे सहयोगी जलम किरार की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।